दिल्ली दंगों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इस दंगे में ना सिर्फ सरकार बल्कि दिल्ली को जलाने और उसे आग के हवाले झोंकने में मीडिया चैनलों की बड़ी भूमिका थी। पूर्व जजों और अधिकारियों की एक कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसने गृह मंत्रालय की भूमिका को संदिग्ध बताया है। वहीं इस रिपोर्ट में न्यूज चैनलों की भूमिका को शर्मनाक बताते हुए कहा गया है कि गोदी गिद्धों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर लोगों को भड़काने का काम किया और दंगे के लिए उकसाया। कमेटी ने कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के बयान को खतरनाक बताया और कहा है कि कैसे गोली मारो सालों को जैसे बयानों से दिल्ली में आग लगाई गई जिसके बाद दिल्ली का एक हिस्सा झुलस उठा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबली रंग। भले ही आप देश की राजधानी दिल्ली के 2.5 साल पहले की उन रातों को भूल गए होंगे जब दिल्ली को नफरत की आग में झोंक दिया गया, जब दिल्ली पुलिस दंगाइयों के सामने बेबस हो गई थी, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नमस्ते ट्रंप जैसा कार्यक्रम कर रहे थे, तब उन्हीं के मंत्री दिल्ली की सड़कों पर गोली मारो सालों को का नारा लगा रहे थे, तभी भाजपा के नेता कपिल मिश्रा बीच सड़क पर खड़े होकर लोगों को भड़का रहे थे और देखते ही देखते ये आग ऐसी फैली कि दिल्ली का एक हिस्सा उसके चपेट में आ गया। दिल्ली दंगों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। ये खबर आपको किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि दिल्ली दंगों के लिए सरकार के साथ इस नफरती मीडिया को भी जिम्मेदार बताया गया है। आप इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप ये समझ पाएं कि कैसे दिल्ली को जलाने के लिए एक सुनियोजित प्लानिंग की गई थी, कैसे वो लोग जिनकी भूमिका संदिग्ध है वो आज भी खुले घूम रहे हैं, कैसे मीडिया ने मुस्लिमों को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताकर खुद के दंगाई होने पर ही पर्दा डाल दिया, लेकिन मीडिया के दंगाई चेहरे को बेनकाब करने के लिए जो रिपोर्ट अभी सामने आई है उस रिपोर्ट को किसी सड़क छाप लोगों ने नहीं, सरकार की चापलूसी करने वाले अधिकारियों ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों के साथ कई बड़े अधिकारियों ने यह रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली को जलाने की प्लानिंग कई महीने से ही नफरती डिबेट और नेताओं के भड़काऊ बयान के साथ शुरू हो गई थी। जब दिल्ली में सीएए के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था तब दंगाई मीडिया दिल्ली को जलाने की साजिश रच रही थी, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के समय दंगाई मीडिया ने उसे बदनाम कर दिया। उसी दिल्ली दंगे मामले में दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, सरकार, नफरत फैलाने वाला मीडिया का एक धड़ा, इन सभी पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सिटीजन कमेटी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े हर तथ्यों का अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट जारी की है। समिति ने कहा है कि कैसे दंगे भड़कने से पहले नफरती माहौल बनाया गया, कैसे मीडिया का इसके लिए इस्तेमाल हुआ और कैसे दंगे के बाद सही तरीके से जांच नहीं की गई और कैसे कुछ लोगों को जेल में डालने के लिए गलत धाराओं का इस्तेमाल किया गया। जिस समिति ने यह रिपोर्ट दी है उसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर हैं। इस समिति में मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर एस सोढ़ी, पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अंजना प्रकाश और भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव जी के पिल्ले जैसे शामिल हैं। समिति ने रिपोर्ट में पाया है कि विवाद पैदा करने के इरादे से नफरत फैलाई गई थी। 2020 में 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रही थी, लेकिन इसके लिए काफी पहले से नफरत का माहौल बनाया जा रहा था। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का 2019 से ही विरोध किया जा रहा था। ये विरोध दिल्ली के शाहीनबाग के साथ जामा मस्जिद और कई अलग अलग जगहों पर चल रहा था। इसके खिलाफ मुस्लिम अपनी नागरिकता छिन जाने के डर से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच विधानसभा चुनाव ने जोर पकड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी दौरान नफरती बयान दिए गए। समिति ने कहा है कि उसी दौरान अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से विरोध प्रदर्शन करने वालों को गद्दार करार देना शुरू किया। गोली मारो वाला नारा भी तभी लगाया गया था जब एक तरफ दिल्ली में चुनाव का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। समिति ने आगे कहा है कि इस नफरत को फैलाने और बढ़ाने में कई टेलीविजन चैनल भी काफी जिम्मेदार हैं। समिति ने 22 और 23 फरवरी के घटनाक्रमों का खास कर जिक्र किया है। इसने कहा है कि कैसे कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को जाफराबाद और चांदबाग की सड़कें खाली करने का अल्टीमेटम दिया था।
समिति ने कहा है, जानबूझकर मुस्लिम विरोधी विमर्श खड़ा करने से हुई हिंसा इस बात का संकेत देती है कि किस तरह सार्वजनिक विमर्श में नफरती बयानबाजी के साथ साथ वास्तविक हिंसा भी पनप रही है। ऐसा लगता है कि नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्थागत इच्छा शक्ति पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। मीडिया का एक हिस्सा इन नफरती बयानों का प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाता है। समिति ने कहा है कि साफ है कि ब्रॉडकास्टिंग मानकों की निगरानी करने वाली मौजूदा संस्थाओं की चूक के बनिस्बत इन चैनलों की पहुंच और उन्हें मिली छूट कहीं ज्यादा है। बोलने और अभिव्यक्ति के लिए एक बिना निगरानी वाला मंच होने के नाते सोशल मीडिया के फायदे जरूर हैं, लेकिन इसके यही गुण उन्मादी नफरती बयानों और हिंसक सामग्री के वाहक के तौर पर गंभीर खतरे भी पैदा करता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीए विरोधी धरनों को निशाना बनाकर उन्हें वहां से हटाना एक अकेली घटना के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। वहीं इस कमेटी ने यूएपीए के गलत इस्तेमाल को भी बात कही है। कमेटी ने कहा है कि प्रदर्शनों को कुचलने और प्रदर्शनकारियों को चुप कराने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल किया गया। तो इस रिपोर्ट में जहां एक तरफ सरकार की भूमिका संदिग्ध बताई गई है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया के नफरती एजेंडों को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। ऐसे में इस समिति की रिपोर्ट पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर लें।